भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, ये मोबाइल फाइनेंस होता है क्या यहाँ पे? जी होता है। तो कौन से कंपनी का फाइनेंस करते हैं आप? आप ओप्पो करा लीजिए, वीवो करा लीजिए, सैमसंग करा लीजिए, कोई भी कंपनी हो जाएगा उसमें कोई बात नहीं। रेडमी ये सब नहीं ये होगा भैया, लेकिन उसमें आपका 1% का ब्याज लगेगा। अच्छा, ओप्पो करा लें, वीवो करा लें, सैमसंग करा लें, इसमें आपका 1% का ब्याज नहीं लगेगा। मैं तो सुना हूँ कि 0% पे ब्याज होता है। 0% ब्याज? हाँ बिल्कुल सही सुना है, उसमें ब्याज नहीं लगता है। अच्छा, मैं वो आपसे बता ही चुका हूँ, ओप्पो करा लें, वीवो करा लें, सैमसंग करा लें, 1% का आपका ब्याज नहीं लगना है। अच्छा, सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप बजाज से फाइनेंस कराएं। अच्छा, बजाज से भी होता है? जी, बजाज से फाइनेंस होता है। उसमें सबसे बढ़िया चीज़ ये है आपकी क्वालिटी, आपको कार्ड मिल जाएगा, वो कार्ड 10 साल के लिए वैलिड रहेगी। अच्छा जी, कार्ड के बारे में ज़्यादा बजाज के भैया ये बता देंगे। बजाज के कार्ड के बारे में सर मैं जानना चाहता हूँ। कार्ड की फैसिलिटी ये है सर कि आपका बजाज का 766 रुपये कार्ड बनेगा। अच्छा, जो कि 10 बजे तक वैलिड रहेगा। अच्छा अच्छा, उससे जो भी अगले टाइम से जो भी आपको खरीदारी करना होगा 0% पे। अच्छा, और डाउन पेमेंट भी उस समय नहीं देने पर जो 40% डाउन पेमेंट आप फर्स्ट टाइम देंगे। अच्छा, अगले टाइम से 3 EMI कटने के बाद डाउन पेमेंट भी आपका नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, आपकी डायरेक्ट EMI बन जाएगी। तो क्या मैं मार्केट से कोई भी सामान मतलब टीवी, फ्रिज, कूलर अगर लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ? जी जी जी। उसमें क्या डाउन पेमेंट देना पड़ेगा? उसमें भी डाउन पेमेंट, अगर आपका सिविल अच्छा रहेगा, ट्रांजेक्शन अच्छा रखेंगे, बाउंस नहीं कराएंगे, एक भी डाउन पेमेंट नहीं, बस प्रोसेसिंग फीस जो लगेगा वही देना पड़ेगा। अच्छा, सबसे बढ़िया चीज़ ये है ना, आपको कोई भी अगर आप लोन लें बिल्कुल टाइमली जमा करें आप। अच्छा, अगर टाइमली जमा करेंगे भविष्य में कभी भी आपको कुछ लेना होगा तो ज़्यादा सोचना नहीं है। अच्छा, मतलब कार्ड लेकर आएंगे तो? जी, बस कार्ड आपको लेके आना, उस समय आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके घूमने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या एक साथ मतलब दो मोबाइल फाइनेंस हो सकता है? जी नहीं। हाँ, नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। टीवी, फ्रिज, कूलर, वाशिंग मशीन ये हो सकता है, लेकिन मोबाइल एक फाइनेंस करवाने के बाद 3 महीने के बाद ही फाइनेंस। अच्छा, मैंने 3 किस्त भरने के बाद दूसरा मोबाइल ले सकते हैं? हाँ, मोबाइल लेने के बाद आप वॉशिंग मशीन, फ्रिज एक ले सकते हैं अलग। मोबाइल एक लेंगे, मोबाइल के अलावा इलेक्ट्रॉनिक में जैसे आप वॉशिंग मशीन ले लीजिए, फ्रिज ले लीजिए, वो आप ले सकते हैं। अच्छा, तो इसमें बजाज में कितना डाउन पेमेंट लगता है? 40% डाउन पेमेंट सर फर्स्ट टाइम लगता है। और इसका किस्त कितना बनता है? वो तो आप प्रोडक्ट के हिसाब से, अमाउंट के हिसाब से आपकी मंथली किस्त बन जाएगी। अच्छा, कितने महीने किस्त बनता है इसका बजाज? 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने ये बनता है। ठीक है, तो इस टाइम में मोबाइल कौन सा बढ़िया है भैया? ओप्पो ले लीजिए, वीवो ले लीजिए, सैमसंग ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको पसंद पड़े, जो आपको अच्छा लगे। हमको वही चाहिए 14-15 हज़ार के रेंज में चाहिए। हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा, बढ़िया चलेगा ना? क्वालिटी अरे जबरदस्त चलेगी सर। वीवो का मतलब सही है ना? बढ़िया चलेगा। आप बजाज से फाइनेंस कराएं, आधार कार्ड दे दें, पैन कार्ड दे दें, बैंक का पासबुक दे दें, हम चेक करके बता दे रहे हैं आपका सिविल कैसा है, उसके हिसाब से हम आपको फोन दिखा दे रहे हैं। जी, 40% कोई शिकायत नहीं, 1 साल की वारंटी आपको मिलेगी। जी, अगर खराब होगा, कोई दिक्कत होगा तो आप ओप्पो वीवो ले जाएंगे, अगर उसमें कोई दिक्कत आएगी ओप्पो वीवो सैमसंग में, तो उसकी सर्विस हमारे यहाँ से है। अच्छा, तो उसके अलावा और कोई कंपनी ले जाएंगे तो उसको स्वयं सर्विस सेंटर ले जाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब आप नहीं लेके जाएंगे? जी नहीं, अगर ऑनलाइन फ़ोन ले जाएंगे तो उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है। ओप्पो वीवो सैमसंग में अगर कोई भी फ़ोन ले जा रहे हैं, उसमें अगर ज़्यादा दिक्कत कोई आ रही है, अगर आप भी ले जाके दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ले जाएंगे तो जल्दी होगा, मुझे देंगे तो 15-20 दिन टाइम लगेगा। आप लेके जाएंगे तो तुरंत मतलब 1-2 दिन में आपका काम हो जाएगा। ओप्पो वीवो सैमसंग अगर मुझे देंगे तो 15-20 दिन से टाइम लगेगा, हम सर्विस करवा के आपको दे देंगे भैया। ये नहीं बोलेंगे कि आप आज देंगे कल दे देंगे, नहीं, झूठ बोलने वाली काम नहीं, जो रहेगा सच्चाई बताएंगे। तो ठीक है भैया, फाइनेंस तो मुझे भी कराना है मेरे को, लेकिन अभी प्रूफ तो लेकर आया नहीं हूँ। जी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि अब क्या क्या प्रूफ लगता है। मैं सीधा खाली आधार कार्ड लगता है और हो जाता है? जी, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ और, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक लेके आए। अगर पैन कार्ड नहीं रहा, अगर बजाज से कराना हो भैया, बजाज से कराना हो तो 23+ उम्र ले, 23+ उम्र रहे। इसमें उम्र का भी मतलब बनना? जी जी जी, अगर बजाज से कराएंगे 23+ उम्र रहना चाहिए। अगर 23+ नहीं है तो उसका भी विकल्प है मेरे पास, मैं होम क्रेडिट से कर दूंगा, आपका TVS से कर दूंगा। अच्छा, किसी कंपनी से मैं करूंगा, लेकिन आपको करके दे दूंगा। अब मान लीजिए पैन कार्ड नहीं रहेगा तो? पैन कार्ड नहीं रहेगा तो दूसरे कंपनी से करेंगे, ड्राइवरी लाइसेंस लेते आइएगा, आधार कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, बैंक पासबुक, पिन, ड्राइवरी लाइसेंस भी नहीं है तो निर्वाचन कार्ड लेते आइएगा, जो राशन कार्ड, वोटर आईडी होता है जो वोट मारने वाला। अच्छा, जी, मान लीजिए किसी दूसरे के आईडी से लेना हो तो क्या उसको लाना पड़ेगा? दूसरे आईडी पे लेंगे तो जी उनको लेके आना पड़ेगा। अच्छा, मैंने उनको आना जरूरी है? जी, वो भी आपके घर के हो। अच्छा, आपके पर्सनल हो। अच्छा।